मन दुरुस्त नहीं है तब तक उसका तन दुरुस्त नहीं हो सकता है। तो तन दुरुस्त रखने के लिए मन को दुरुस्त रखना माना मन के अंदर खुशी, उमंग, उत्साह, आनंद, सेल्फ मोटिवेशन की चीज जरूरी है, तब व्यक्ति एक जिंदा दिली माना जाता है। और तब उसका प्रभाव शरीर के ऊपर भी पड़ता है कि शरीर भी एकदम हल्का और बहुत कुछ करने की क्षमता में है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है मन के अंदर, तो जरूर है कि मन के अंदर उदासी, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, आलस, ये सब कुछ भरा होता है। आज की दुनिया में वैसे भी अगर किसी को देखते हैं, किसी को किसी के प्रति बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत घृणा होती है, तो लोग भी क्या कहते हैं, सिक या मेंटली, ये बहुत सिक है। तो उसको कभी भी मेंटली हेल्दी नहीं कहते लोग। तो इसीलिए ये भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं अगर मन के अंदर बैठी होगी तो उसका इफेक्ट तन के ऊपर आना ही है। आज सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने आसपास, इनफैक्ट कई लोग परिवार में एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। परिवार में इतना कंपटीशन हो जाता है, या ऑफिस क्षेत्र के ऊपर, कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, वहां इतना कंपटीशन हो जाता है, तो दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव, नफरत भाव, ये भाव, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे हर बंदा ईश्वर का बंदा है, किसी में कौन सी क्वालिटी है, किसी में कौन सी क्वालिटी है, किसी में कौन सी वीकनेसेस है, किसी में कौन सी वीकनेसेस है। आज अगर मेरे पास कोई योग्यता क्षमता अगर है तो साथ में कोई कमजोरी भी तो होगी ना। हर इंसान के अंदर अच्छी अच्छी आदतें भी है, अच्छी बातें भी है, तो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमजोरी भी है। लेकिन अगर हम उन आत्माओं को भी उन्हीं विशेषता और कमजोरी के साथ स्वीकार करें और स्वीकार करते हैं और उसको अपने साथ जोड़ते हैं, तो शायद जो कहा ऑफिसेस में जो कंपटीशन की भावना जागृत होकर के इतना दूषित हो जाता है, उसमें फायदा किसी को नहीं है, न मुझे है न उसको है। क्योंकि उसकी ईर्ष्या करके अगर मैं उसकी शिकायत कहीं करती हूं तो कल को वो भी मेरी शिकायत करेंगे, नेचुरल है। तो इसीलिए जब वहीं रहना है, वही हमारा साथी है, तो क्यों नहीं हम उसको स्वीकार करें, वो भी हमें स्वीकार करेगा। जी दीदी। और इस तरह से जब स्वीकार करते हुए एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो शायद हम उसकी कमजोरी को मिटाने में भी सहयोग देते हैं, तो वो भी हमारे प्रति शुभ भावना रखता है, जो शुभ भावना से मैं अपनी कमजोरी को भी मिटाने का प्रयत्न करती हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। देखो दुनिया में कहा जाता है, किसी को आप आगे बढ़ाने से खुद पीछे नहीं रहता है। बिल्कुल। किसी को अगर कहा आप आगे आइए, तो वो कहे नहीं नहीं प्लीज आप आगे जाइए। सही बात है, ये स्वाभाविक है। तो जीवन के अंदर भी यही होना है, आप किसी को पहले आप कहेंगे, उससे कोई आप पीछे हो जाने वाले नहीं है।